hello everyone today we are going to start an other chapter of class 4th science that is chapter 10 force work and energy children in this chapter we will discuss about force work and energy let us start with brief introduction of chapter 10

जब एक बॉल को हम किक करते हैं जब एक बॉल को हम अपने फीट से किक करते हैं तो बॉल मूव करता है वाट मेक्स द बॉल टू मूव क्या हमने कभी सोचा है कि बॉल मूव कैसे करता है इट इज़ द फोर्स ऑफ आवर फीट दैट मूव द बॉल जब हम बॉल को अपने फीट से किक करते हैं तो हम अपने फीट की फोर्स बॉल पर अप्लाई करते हैं जिससे बॉल मूव होता है सिमिलरली इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं टू स्टॉप अ मूविंग बॉल वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑफ आवर आर्म जब एक मूविंग बॉल पर हम अपनी आर्म्स के फोर्स को अप्लाई करते हैं तो बॉल स्टॉप हो जाता है एक मूविंग बॉल पर जब हम अपने आर्म्स के फोर्स का यूज करते हैं तो बॉल रुक जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट कॉन्टीन्यूअसली ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इसी तरह से ऑल ऑब्जेक्ट्स पर कॉन्टीन्यूअसली डिफरेंट काइंड के फोर्स का यूज किया जाता है फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स फोर्स इज डिफाइंड एच अ पुश और पुल देट मे ब्रिंग द फॉलोइंग चेंजेज वैन अप्लाइड ऑन अ बॉडी फोर्स को डिफाइन किया गया एज अ पुश और पुल किसी बॉडी को पुश करना अपने से दूर करना या ढकेलना या पुल करना अपनी ओर खींचना जिसकी वजह से उस बॉडी में चेंज आ जाता है और ये चेंज इन फॉलोइंग चेंज में से भी हो सकता है इट मे मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज द बॉल इन दब एग्जाम्पल ये चेंज एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है जैसे कि हम भी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा जब हम अपनी फीट का यूज़ करते हैं बॉल को किक करने के लिए तो बॉल मूव करता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करता है सेकंड इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम द बॉल स्टॉप्स मूविंग और ये चेंज एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में भी हो सकता है जब एक मूविंग बॉल कुछ समय के बाद अपने आप स्टॉप हो जाता है अपने आप रुक जाता है आपने देखा होगा ग्राउंड में एक बॉल मूव कर रहा है और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाता है तो ये भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट में उसकी स्पीड में चेंज हो सकता है इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी एज इन केस ऑफ अ फुटबॉल मैच एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है जैसे एक फुटबॉल मैच में आपने देखा होगा फुटबॉलर जो कि फुटबॉल को किक करते हैं और मूविंग बॉडी जो कि मूविंग फुटबॉल है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है इट मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एज अ चपाती इज मेड फ्रॉम द डो बाय प्रेसिंग इट विद अ रोलिंग पिन किसी बॉडी की साइज़ और शेप में चेंज आ सकता है जैसे एक चपाती बनाते समय डो को प्रेस किया जाता है आटे के गोले का यूज किया जाता है रोटी बनाने के लिए तो जब आटे के गोले को बेलन से प्रेस किया जाता है जिससे उसके साइज़ और शेप में चेंज आता है तो ये चेंज भी में चेंज क्यों होता है क्योंकि इसमें यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से किसी बॉडी में किस साइज और शेप में चेंज आ सकता है दस टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी अप्लाई फोर्स इन डिफरेंट वेज और ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें कि हम यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से फोर्स अप्लाई किया जाता है चिल्ड्रन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक पर्सन जो कि डोर को पुश कर रहा है ये अपने आर्म्स की फोर्स अप्लाई कर रहा है डोर को ओपन करने के लिए उस उसे पुश करते हुए सेकंड यह पर्सन एक ट्रॉली को पुल कर रहा है यहाँ भी ये अपनी आर्म्स की फोर्स अप्लाई कर रहा है इस ट्रॉली को पुल करने के लिए और एक बॉय जो कि बॉल को बाउंस कर रहा है ये अपनी आर्म्स की फोर्स का यूज कर रहा है बॉल को मूव करने के लिए और लास्ट में आप देख सकते हैं ये बॉय जो कि बॉल को अपने फीट से किक कर रहा है यहाँ ये अपने फीट की फोर्स का यूज कर रहा है बॉल को किक करने के लिए राइट right? बॉल को मूव करने के लिए तो ये कुछ एक्टिविटीज है जिसमें कि फोर्स यूज की गई है देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेज ऑफ फोर्सेज भी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स ईच ऑब्जेक्ट टू वर्स द अर्थ इट एक्ट नेचुरली ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स हमारे अर्थ में ग्रेविटी फोर्स है जो कि अपनी ओर सभी ऑब्जेक्ट्स को खींचता है और ये फोर्स सभी ऑब्जेक्ट्स पर नेचुरली एक्ट करता है ग्रेविटी फोर्स जो कि हमारे अर्थ में है और ये सभी ऑब्जेक्ट पर नेचुरली एक्ट करता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपोजिट वर्क करती है ये एक्ट कैसा करती है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए इट एक्ट्स वैन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है जब दो सरफेस टू सरफेस आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं एक मूविंग बॉल अपने आप रुक जाती है क्योंकि तो बॉल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है और फ्रिक्शन की वजह से बॉल अपने आप रुक जाता है द फोर्स अप्लाइड बाय द बाय आवर मसल्स इन द मस्कुलर फोर्स और जो फोर्स हम अपने मसल्स के द्वारा अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या उसे रोकने के लिए तो इस फोर्स को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स इसका एग्जाम्पल है एक मूविंग बॉल को रोकने के लिए स्टॉप करने के लिए हम अपने आर्म्स की फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी आर्म्स की फोर्स का यूज करते हैं तो हमारी आर्म्स की फोर्स हमारे फीट की फोर्स मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है फ्रिक्शन इज बहुत यूजफुल एंड हार्मफुल टू अस फ्रिक्शन जो कि हमारे लिए यूजफुल और हार्मुल दोनों है विदाउट फ्रिक्शन इट वुड बी इंपॉसिबल टू वॉक अ रफ सर्फेस लाइक अ रोड और कार्पेट कॉज इज मो फ्रिक्शन वायल स्मूथ सरफेस लाइक अ बनाना पील और आइस कॉजेज लेस फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बिना हमें चलना भी पॉसिबल नहीं है हम वॉक भी नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन ना हो एक रफ़ सरफेस जैसे कि रोड है या कारपेट है उसमें मोर फ्रिक्शन की वजह से ही हम उस पर इजीली वॉक कर पाते हैं और अगर फ्रिक्शन कम होगा कोई सरफेस स्मूथ है स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है तो लेस फ्रिक्शन की वजह से हम वॉक नहीं कर सकते इसका एग्जाम्पल है वनना पील या आइस जिसमें कि लेस फ्रिक्शन होता है और इस तरह के स्मूथ सरफेस पर हम वॉक नहीं कर सकते इस पर हम स्लिप हो सकते हैं तो फ्रिक्शन के बिना इम्पॉसिबल है वॉक करना नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्क इन आवर डेली लाइफ वी डू मैनी एक्टिविटीज एंड से दैट वी हैव डन द वर्क हम अपनी डेली लाइफ में मैनी एक्टिविटीज करते हैं राइट right? और हम कहते हैं हमने वर्क किया हमने काम किया बट साइंटिफिकली वर्क इज नॉट डन इन एवरी एक्टिविटी लेकिन साइंटिफिकली वर्क हर एक एक्टिविटी में नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ साइंस आट वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स साइंस के टर्म में वर्क कब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो साइंस के टर्म में कहा जाता है वर्क इज डन वर्क किया गया या वर्क हुआ फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं अ कुली कैरिंग अ लोड अप सम स्टेयर्स इज डूइंग सम वर्क एक कुली लोड कैरी करके स्टेयर्स में ऊपर की ओर कुछ स्टेयर्स पर चलता है थोड़ा सा ये ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ साइंस के टर्म में कहा जाता है कि वर्क हुआ लेकिन द बट द कुली होल्डिंग द लोड ऑन हिज हैड डज नॉट वर्क दो ही मे गेट टायर्ड वाई बिकॉज द लगेज इज नॉट मूव लेकिन जब एक कुली अपने हेड पर लोड कैरी करता है लेकिन मूव नहीं करता है बेशक उसकी एनर्जी यहाँ यूटिलाइज हो रही है वो टायर्ड हो गया है लेकिन साइंस के टर्म में इसे वर्क करना नहीं कहा जाता क्योंकि जो लगेज उसने कैरी किए वो मूव नहीं हुए वो अपनी जगह पर ही हैं जब लगेज मूव नहीं होते हैं तो इसे काम करना नहीं कहा जाएगा द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला और वर्क कब होता है इस किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं और वर्क कंप्लीट होता है तो इस फार्मूले के थ्रू हम समझ सकते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट वर्क कंप्लीट होता है जब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की गई है और उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करता है डिस्टेंस कवर करता है तो कहा जाता है वर्क इज डन क्लियर नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल मशीन्स चिल्ड्रन वर्क जो हम करते हैं उसे सिंपल मशीन्स ने इजी कर दिया है और फास्ट भी कर दिया है सम टाइम वी हैव टू यूज़ सम डिवाइस टू वर्क इजीली एंड क्विकली द डिवाइस मेक्स आवर वर्क फास्टर एंड विद लेस एफर्ट सच अ डिवाइस इज़ कॉल्ड अ सिम्पल मशीन कभी कभी हम कुछ डिवाइस का यूज़ करते हैं जिससे हमारा वर्क बहुत इजी और फास्ट हो जाता है और इन डिवाइस ने जिनका हम यूज़ करते हैं उससे हमारा वर्क फास्ट होता है और कम एफर्ट के साथ होता है जिसमें हमें कम एफर्ट डालने होते हैं और इस तरह के डिवाइस को सिंपल मशीन कहा जाता है इट इज कॉल्ड सिंपल मशीन इसका कॉमन एग्जांपल है नाइफ अ नाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मशीन्स अ सिंपल मशीन मेक्स आवर जॉब इजियर एंड फास्टर इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डज द वर्क विद लेस एफर्ट और फोर्स सिंपल मशीन ने हमारे वर्क को इजी और फास्ट कर दिया है और इसने हम इसने फोर्स की डायरेक्शन में भी इसकी वजह से चेंज आता है जिससे हमारा वर्क फास्ट होता है और हमें कम एफर्ट लगाने होते हैं मीन्स हमें अपना फोर्स का यूज कम करना होता है सिंपल मशीन वी यूज इन अवर डेली लाइफ सिंपल मशीन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं दो जार व्हील एंड एक्सल पुलिस इनक्लाइन प्लेन्स लिवर्स स्क्रूज एंड वेजेज ऑल अदर काइंड ऑफ मशीन्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिंपल मशीन्स और अदर कॉम्प्लेक्स मशीन्स इन सिंपल मशीन्स का ही कॉम्बिनेशंस होती हैं इन सिंपल मशीन्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं फर्स्ट विल डिस्कस सिंपल मशीन दैट इज व्हील एंड एक्सेल इन अ व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट व्हील एंड एक्सेल के अरेंजमेंट में एक स्मॉलर व्हील होता है और एक होता है लार्जर व्हील स्मॉलर व्हील जिसे कहा जाता है एक्सेल ये एक रोड की तरह होता है और इसमें एक लार्जर व्हील होता है इन दोनों का अरेंजमेंट है व्हील एंड एक्सेल आ व्हील इज माउंटेड रिगेडली अपॉन अ स्मॉलर व्हील और एन एक्सेल द लार्जर व्हील रोटेट्स अराउंड द स्मॉलर व्हील एक्सेल द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार बाइस्कल व्हील्स आर देयर एग्जांपल्स और ये वर्क कैसा करती है सिंपल मशीन जब लार्जर व्हील रोटेट करता है तो स्मॉलर व्हील अपने आप रोटेट होता है और इसका एग्जाम्पल है कार में यूज किया जाने वाला स्टीयरिंग व्हील या बाइसे बाईसाइकिल में व्हील्स का यूज किया जाता है जिसमें कि रोड जो कि एक्सेल है इसका भी यूज होता है और ये लार्जर व्हील के साथ अपने आप मूव करता है नेक्स्ट सिंपल मशीन दैट इज इंक्लाइंड प्लेन एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन इन द फॉर्म ऑफ अ स्लोप यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स टू हायर और लोअर प्लेसेज इनक्लाइंट प्लेन क्या है चल रन एक तरह का टेढ़ा सरफेस है ये क्या है एक टेढ़ा सरफेस है जिसका यूज करते हुए किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को हायर प्लेस पर या लोअर प्लेस पर ईजीली स्लॉप किया जा सकता है ईजीली इसको रोल किया जा सकता है ऑन एन इंक्लाइंट प्लेन ऑब्जेक्ट्स कैन ईजिली बी रोल्ड अप और डाउन ऑन टू द ग्राउंड अब वुडन प्लांक यूज टू लोड हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन टू द ट्रक्स इज एन इनक्लाइन प्लेन एक ट्रक में किसी हैवी लोड को अपलोड करने के लिए एक वुडन प्लांक का यूज किया जाता है एक टेढ़ा लकड़ी का इस तरह का सरफेस होता है जिसका यूज करते हुए किसी ट्रक में हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाया जाता है तो इनक्लाइन प्लेन का यूज किया जाता है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को किसी भारी सामान को रोल करते हुए ऊपर की ओर ले जाने के लिए या ग्राउंड पर नीचे की ओर लाने के लिए नेक्स्ट इज पुली इट यूजेज अ ग्रूब्ड व्हील एंड अ रोप टू रेज लोअर और मूव अ वेट पुली में एक ग्रूव्ड व्हील का यूज किया जाता है यह एक ग्रूब व्हील इसके साथ एक रोप को इसके साथ अटैच किया जाता है रोप का यूज किया जाता है ग्रुडवील और रोप के का यूज किया जाता है पुली में जिससे कि वेट को ऊपर की ओर लाया जा सके और नीचे की ओर छोड़ा जा सके द रोप यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स हैच पुली इसका एग्जाम्पल है एक वेल से कुएं से पानी खींचना पानी खींच ऊपर की ओर खींचने के लिए पुली का यूज किया जाता है नेक्स्ट सिंपल मशीन इज लेवर आ लीवर इज अरे बार फिक्स्ड एट वन पॉइंट कॉल द कॉल द फलक्रम लीवर में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है फलक्रम इट इज यूज टू लिफ्ट वेट्स और कट आर्टिकल्स सीसो, सो नट क्रैकर्स बोटल ओपनर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द लेवर और लेवर का यूज़ किया जाता है किसी हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए या आर्टिकल्स को कट करने के लिए इसके एग्जाम्पल्स हैं सी सो नट क्रैकर्स बोटल ओपनर्स एग्जाम्पल्स हैं लेवर के नेक्स्ट सिंपल मशीन दैट इज वेज द वेज हैज टू इनक्लाइन प्लेन्स एंडिंग इन अ शार्प एज वेज क्या है दो इनक्लाइंट प्लेन्स हैं जिनके कि शार्प एजेस होते हैं इनका एंड क्या होता है शार्प एजेस के साथ होता है दिस हेल्प्स इन कटिंग और ये हेल्प करते हैं कटिंग करने में ये एग्जांपल है इन वेजस का जिसमें कि टू इनक्लाइन प्लेस का यूज होता है और इनके शार्प एज होते हैं इनका जो एंड है वो शार्प होता है एन एक्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है एक एक्स एक कुल्हाड़ी इसका यूज क्या होता है कट करने के लिए इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं नाइफ रेजर और अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वेज नेक्स्ट इज स्क्रू नेक्स्ट सिंपल मशीन इज स्क्रू द स्क्रू इज एन इनक्लाइंट प्लेन वुड वाउंड अराउंड अ रोड स्क्रू एक इंक्लाइंड प्लेन है एक तरह से ये नेल्स लुक लाइक का नेल्स है और इनक्लाइंट प्लेन है ये जो कि इसके वाउंड है इसके रोड के अराउंड में क्या है वाउंड है इट लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रुप्स और ये नेल की तरह है जिसमें कि ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे द जैक यूज फॉर लिफ्टिंग किसी कार में या व्हीकल में जैक का यूज किया जाता है व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए उसे ऊपर के उठाने के लिए ये एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू ये एक स्क्रू का एग्जाम्पल है जैक जिसका यूज किया जाता है एक व्हीकल या कार को लिफ्ट करने के लिए Now, this is all about force and work that we have discussed. Now, next, our topic is energy. Energy is required to do all kinds of work, or, in other words, we are able to do any kinds of work due to energy only. The ability to do work is called energy. जो भी वर्क हम करते हैं सभी वर्क को करने के लिए हमें नीड होती है एनर्जी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरे वर्ड्स में हम अगर कहें कि बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते वी आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क ड्यू टू एनर्जी ओनली कि एनर्जी की वजह से ही हम कोई भी काम कर सकते हैं किसी भी काम करने के लिए एबल होते हैं और द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी और यही एबिलिटी जो कैपेबल है हम काम करने के लिए इसे हम कहते हैं एनर्जी दैट इज कॉल्ड एनर्जी द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाती है इसे हम कहते हैं नाइटिक एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू तो इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेशनल एनर्जी और जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन में यूज होती है उसे कहते हैं पोटेशनल एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इलेक्ट्रिकल हीट लाइट सोलर साउंड केमिकल न्यूक्लियर एंड एनर्जी एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ये चेंज हो सकती है फॉर एग्जाम्पल वैन वही स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब जब हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हैं इट गैस लाइटेड हमने स्विच ऑन किया और बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बल्ब चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी जब इस इसमें चेंज क्या हुआ एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि बल्ब की है वो चेंज हो जाती है लाइट एनर्जी में चिल्ड्रन वो विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोर्सेस ऑफ एनर्जी एनर्जी के सोर्सेस ओके चिल्ड्रेन थैंक यू